एनडी शर्मा लोगों को गुमराह कर रहा है, एनडी शर्मा के अंदर घमंड आज सर से ऊंचा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपया कमा लिया, करोड़ों। एक आदमी को जिसको गांव से लात मार के भगाया हो, उसकी गंदी हरकतों के कारण जिसको पंचायत ने बहिष्कार करके भगा दिया हो, वो व्यक्ति किसी कारण से एमएलए बन जाता है। लोगों को तो सबको तो नहीं पता, हमको तो सब पता, हम तो लोकल आदमी, हम तो सबकी जानकारी रखते हैं, हमें क्या नहीं पता। अरे दुख सुख सबके साथ चलते हैं, लेकिन आप क्या हो, आपकी जड़ें अच्छी तरह से हम जानते हैं। आप एक बीड़ी की दुकान करते थे, आप दुनिया पे उंगलियां मत उठाइए, आप एक बीड़ी की दुकान करते थे और बीड़ी की दुकान से आज आपके पास कोठी बंगले सब कुछ है। आपके पास ज़मीनें कहाँ से आ रही हैं, गांव में कहाँ से पैसा आ रहा है? तुम तो अपनी ज़मीन को गिरवी रख के आए थे गांव के अंदर, या बेच के आए थे तब इलेक्शन लड़ा था। रामवीर सिंह भिदूड़ी हो, चाहे महेश अवाना हो, कोई यहाँ ज़मीन के राम सिंह हो, चाहे उनके पास कम से कम पुश्तैनी कुछ ज़मीनें तो थी। रमेश भिदूड़ी के पास कुछ पुश्तैनी ज़मीनें तो थी। आज वो कहता कि हमने इनकी ज़मीनें खरीदी, हमने इनको किराएदारी दी, हमने ये दिया वो दिया। अरे तुम, अगर तुम्हारे पास कुछ था तो तुम यहाँ क्या लेने आए थे? फिर लेने क्यों आए, यहाँ क्यों आए थे इस बदरपुर में, अगर तुम्हारे पास सब कुछ था तो? बाहर कौन जाएगा? ज़रूरतमंद जाएगा। आपको ज़रूरत थी, आप यहाँ आए, आपका भाग्य, आप एमएलए बन गए, लेकिन भाग्य के साथ में उस चीज़ को गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों के साथ अभी पीछे किसी वर्कर को पीटा इन्होंने, फ्लड विभाग के वर्कर को पीटा। एक वर्कर की क्या औकात है? आज तुम्हारे हाथ इतने बड़े हो गए हैं, आज तुम पहलवान बन गए हो। ये तो लोग यहाँ के बहुत शांत हैं, नहीं तो इधर होता ना गाजियाबाद से आगे की तरफ कहीं कुछ, अब तक इनका कहीं अता पता नहीं होता। ऐसे लोग हैं वहाँ।